नहीं, आई एम अमेज रियली रियली, मतलब इतनी पब्लिक देख के मैं बहुत हैरान हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज फिर एक बहुत ही अच्छा दिन है, अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग निकले हैं आज लखनऊ के लिए। देर हो गई है लेकिन फिर भी एकदम बोलते नहीं, एकदम ऐसे प्लान बना है हमारा। जाने का तो था लेकिन आज जाने का था ये हम लोग का, अभी डिसाइड हुआ है। एक घंटे में हम लोग रेडी होके बस निकल गए और आज जा रहे हैं हम लोग लखनऊ। लखनऊ में हम लोग स्पेसिफिकली लुलु मॉल जाके एक दो जगह घूमेंगे, फिर बाद में हम लोग वापस कानपुर आ जाएंगे। तो बस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया हम लोगों ने, अल्लाह से दुआ भी कर ली कि हिफाजत में जाए, हिफाजत में आए। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाली है आप लोगों को इंशाल्लाह। तो चलती हूँ मैं आगे, व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग भी सलाम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग गए थे दुबई ना, लुलु मॉल। हम लोग ने इतनी शॉपिंग करी लुलु मॉल से, सच बता रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी हम लोगों ने। देखते हैं यहाँ का कैसा है लुलु मॉल, है ना जी। केरला वगैरह में है अभी, यहाँ पे यूपी में आई थिंक सो फर्स्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। तो लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड फॉर मॉल। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट लुलु, और काफ़ी मुझे लग रहा है यहाँ पे भीड़ भी है, काफ़ी रश भी है यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है अभी। एक्चुअली आज संडे भी है और सब निकले होंगे, पता चल रहा होगा भाई लुलु खुल गया। तो जैसे हम आए हैं वैसे सब आए हैं। हम लोग लुलु आ तो गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रश है। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि ये पार्किंग का रश है कि ये लुलु इंजीनियर आ रहा भाई वीडियो तो ये समझ में नहीं आ रहा है लुलु के अंदर जाने की इतनी रश है। समझ मतलब हम लोग तो पहली बार खैर विजिट कर रहे हैं तो इतना आइडिया नहीं हो पा रहा है हम लोगों को। और बच चुके हैं 3:09, लेट्स सी सब अच्छा ही हो, पार्किंग भी मिल जाए हम लोगों को। एक्चुअली बैक साइड से आके फिर पार्किंग दे रही है तो मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ। ये आप रश देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आगे गाड़ियों पर गाड़ियाँ सब लाइन से हैं। मुझे भी लग रहा है लोग कुछ पार्किंग के लिए गाड़ियों को कह रही है। आप देख सकते हो लुलु मॉल पार्किंग किधर है लुलु की, तो आगे से बोल रहे हैं पार्किंग है और ये है मॉल। आप एक सेकंड, ये है लुलु मॉल। हाँ ये मुझे लग रहा है, मुझे भी काफी रश है। मैं आगे से दिखाती हूँ, काफी यूज है। बस अल्लाह करे पार्किंग मिल जाए। पार्किंग की दी हुई है पूरी और काफी रश भी है लोगों का भी। ये देखिए आप देख सकते हो, हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं यहाँ पे जरा, पार्किंग कहाँ पे है। तो यहाँ हम लोग ने कार खड़ी करी है, कुछ समझ में नहीं आया पार्किंग का सिस्टम। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो यहाँ से अब हम लोग वॉकिंग जाएंगे। ये सब कंस्ट्रक्शन वाली साइट है, अब हम लोग को तो पता नहीं है, तो लोग यहाँ से जा रहे थे तो हम लोग भी यहीं से जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उन्होंने बोला आगे जाना है आपको, आगे पार्किंग है। आगे पार्किंग कहाँ पर है ये नहीं पता, वहाँ पर ही खड़े हैं, आगे कोई नहीं खड़ा हुआ है। तो लोगों ने यहाँ लगाई तो हमने भी यहाँ लगा के कार, अब हम लोग वॉकिंग जा रहे हैं। अब कितनी दूर यहाँ से है थोड़ा दिख तो रहा है लेकिन जाना पड़ेगा यहाँ से। हेलो
मेन एंट्रेंस आगे से है ना, आगे से है वहाँ पे, लेकिन है ना पूरा कार की पार्किंग का फुल हो गया था, इस वजह से हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, पीछे से बैक एंट्री है। मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना रश है। ये हाय, मेरे को धक्के मारने आई हैं आप। ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, ये लुलु का एंट्रेंस है ना, लुलु हाइपरमार्केट का एंट्रेंस है ये। एंड दिस इज कस्टमर सर्विस एंड बैग डिपॉजिट का है। लेट्स सी, अभी आगे देखते हैं क्या माहौल रहता है। मैं तो घबरा गई हूँ सच बताऊँ इतने लोगों को देख के। माय गॉड, मतलब अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यहाँ पे फ्री में सामान बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। क्या बोल सकती हैं आप, इतनी रश देख के अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा रश है दूसरे छतरी वाला। मैं तो बहुत हैरान हूँ इतना रश देख के, मुझे लगा था रश होगा लेकिन इतना लग रहा है फ्री में बैठे। सो हम लोग ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग नीचे एक सब देख लेते हैं ब्रांड्स वगैरह, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। हाइपर मार्केट में तो जाने वाला नहीं है, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग ऊपर नीचे राउंड मार के फिर ऊपर जाएंगे। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ज़्यादा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। आप वो देखिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक, शुगर, कलबा। बस भीड़ देखिए आप। अंकल बोल रहे यही लेके आना चाहिए। स्टैंड ऊपर भी देखो यार कितना रश है। मुझे लग रहा है हम लोग बहुत गलत दिन आ गए। संडे मत आना। क्या एडवाइस देंगी आप संडे का? संडे मत आना, वीकेंड्स का मत आइए, वीकेंड्स पे आना है, वीकडेज पे आना है तो आइए। यहाँ स्टारबक्स कॉफी भी मिल जाएगी आपको। ये क्या है, यू एन आई, मिनीसो नहीं है ये, मिनीसो होता तो कोई। भाई हम मियाओ को देखते ना, कहाँ जा रहे हैं। मेरा तो दिल कर रहा है निकल जाऊं अभी। मुझे लेना ही नहीं है कुछ यहाँ। यहाँ से हम चढ़े हरियाणा वापस नीचे आ रहे हैं। हम लोग अब जा रहे भाई कहीं दूर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आई एम वेरी अमेज्ड कि इतने लोग थे, प्लस कुछ हूटिंग वाले भी थे मेरे आजू बाजू से जा रहे थे। उसने क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है।
कि ये हम हैं, ये पता नहीं क्या जनता है, ऐसे करके उसने बोला। सो भाई इतनी भीड़ में हम लोग को कोई क्रिएट नहीं करनी कॉन्ट्रोवर्सी, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल छोड़। और तो हम लोग बाहर निकल आए और मेरे हस्बैंड और जो जीजा है वो आगे थे, हम लोग ने उनसे भी कुछ नहीं कहा। हम लोग बस बाहर निकले, पौना घंटा हो गया हम लोग घूमे मॉल में घूमते, हम लोग ने एक चीज़ नहीं ली क्योंकि मतलब स्टाफ भी यहाँ का हैंडल नहीं कर पा रहा है, इतना रश है। और अब जा रहे हैं हम लोग फिनिक्स प्लासियो जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगा था जब हम गए थे। ये भी बहुत अच्छा मॉल है, नो डाउट, इंटीरियर अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बहुत रश है, मैं कार में बैठ के आप लोगों से फिर आगे बात करती हूँ। उधर से अभी हम लोग आए प्लासियो मॉल फिनिक्स, वहाँ पे इतनी रश होने की वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो इस वजह से हम लोग ने सोचा कि यहाँ थोड़ी भीड़ कम हो, इस वजह से चलिए अब अंदर चलते हैं तो पता चलेगा। पिछली बार हम लोग ने ऊपर ही यहीं पे लगाया था, अभी आज हम लोग नीचे जा रहे पार्किंग में। यहाँ पे तो डिसेंट लग रहा है, इतना कुछ रश नहीं लगा अभी तक हम लोगों को। बहुत सुकून है यहाँ पे यार, हम लोग वहाँ से आए लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतना रश होने के बावजूद। यहाँ पे कितनी कम भीड़ है यार, और वहाँ पे देखिए ऊपर वाला है ना, इससे भी कहाँ गए लोग। तो अभी बस हम लोग प्लासियो से निकले हैं, खाना वाना भी खाया है, मैंने कुछ नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग को बहुत मुश्किल से वहाँ पे जगह मिली थी, बहुत जगह मिली। मेरे को ये लोकेशन फॉरवर्ड करो, एक्चुअली अप्पी का लोकेशन हम लोग मांग रहे हैं, यहाँ पे एक कज़न रहती है हमारी, तो बस हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं। अभी उन्होंने लाइव लोकेशन अपनी सेंड करी है, तो उन्होंने लाइव लोकेशन सेंड करी हमारे, हमको यहाँ का ज़्यादा कुछ पता नहीं है रास्ता, तो बस हम लोग निकल चुके हैं अभी, तो बस पहुंच के इंशाल्लाह मिलवाती हूँ। पूछो उसको डालने वाली थी, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, आज थोड़ा नेटवर्क में इशू हो गया तो जाए, मैं कब से डालने को लेकिन नहीं जा रहा है। आज मैंने 3-4 बार ट्राई किया है। क्या पोजीशन थी बकरों को माजू उधर है, माजू भाई उधर है।
लेकिन ये दोनों से रख के कहाँ जा रहे रिमशा? हेलो, सिमरन हमारी बहनें मेहनत करते हुए। ओहो, तो ये है रोटी कबाब, एक वाइट चिकन है, चिकन आओ मामी, आप भी बेचो, मामी आइए आप भी। So, आपने देखा आज का व्लॉग, और लूलू मॉल पे ही बेस था बेसिकली, और रात में मामी की तरफ दावत थी तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। और लूलू मॉल के बारे में क्या बोलूँ, इतना खूबसूरत बना था, बहुत ही अच्छा मॉल था, लेकिन इतना रश की वजह से, और हम लोग ज़्यादा रश में नहीं जा पाते हैं, और हम लोग मतलब थोड़ा दूर भागते हैं रश से, तो इस वजह से हम लोग को फिर प्लासियो जाना पड़ा। मॉल पास में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो हम लोग ने फिर वहाँ पे ही लंच वगैरह किया था। तो बस यही था, बस रश ज़्यादा होने के वजह से हम लोग थोड़ा वहाँ पे डिस्टर्ब हो गए थे, और बस यही था एक्सपीरियंस। इसके अलावा क्या बोल सकती हूँ, आपने जो भी था वो सब देखा वीडियो पे। होप सो आपको पसंद आया ये वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिए, उनसे भी कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।